तो ये तैयार किया जा रहा है हमारा तवा पीस और साथ में इसके हैं जी फ्राई नान। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फुली हैवी शशका चल रहा है ये। ए 10-15 दिन तक सीधी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु या सैयदा पाक। आप सबको मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मातुल मुबारक की ढेरों खुशियां मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के सदके आप सब की मेरी और तमाम उम्मते मुस्लिमा की दिली नेक जायज ख्वाहिशात तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह पाक हमें हलाल रिजक अता फरमाए और कभी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे, आमीन। और आप सबको मुझे और तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स को अल्लाह पाक मक्का और मदीना की बा अदब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। हम सब मिलके जाएं उमरा करने के लिए। तो यार सीन इस तरह से है, आज जुम्मातुल मुबारक का बाबरकत दिन है और मेरी जुम्मे की नमाज आज किसी वजह से यार रह गई। अल्लाह पाक माफ फरमाए और मैं नमाज को घर ही अदा करूंगा। तो नमाज पढ़ के इंशाल्लाह नाश्ता वाश्ता करते हैं, मामा से मिलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि यार हम लोग जल्दी से 15K को हिट कर सके। तो आपका भाई नमाज पढ़ के आता, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार नाश्ता मेरे पास आ चुका है। नाश्ते में है जी व्हाइट कढ़ाई, साथ में है जी कबाब मसाला, साथ में है जी हमारा पराठा मजेदार किस्म का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ओए होए होए, बिस्मिल्लाह जी। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कल वाले व्लॉग में व्हाइट कढ़ाई हमने बाइट से खाई थी, उसने एंको कल मैंने ट्रीट दी थी और खाना जो बच गया हमने पैक करवा लिया। उसको मैंने बोला था घर ले जाओ, लेकिन वो सीधा गया था मजलिस पे। उसको मैंने मजलिस पे ड्रॉप किया था तो वो भाई घर लेके नहीं गया, तो फिर मैं ले आया और मामा ने बनाए हैं जी ये कबाब मसाला। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अचारी टेस्ट है इसका, मामा के हाथ का कबाब मसाला भाई क्या बात है। व्लॉग तो आपके भाई ने स्टार्ट ही नहीं किया यार, व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिस इज मी अलीशान खोखर। जी गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज का व्लॉग किस बारे में है और आज के व्लॉग के सीन्स क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वाश्ता कर लिया है, नमाज हमने पढ़ ली है, तो अब मामा को मिलते हैं जाके और फिर देखते हैं कि क्या सीन्स हैं। चलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, आप बताएं ठीक है? बाहर आ जाएं। फोन आ गया साथ ही मामा को, बड़े लोग भाई क्या कह सकते हैं। आओ जी आओ जी, दरवाज़ा बंद कर दें। आ ही गई है मामा फाइनली हाथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे गायब थी आप इतने दिन से? आपको कोई नहीं पता कि मतलब के कोई मुलाकात नहीं हो रही? एक घर के अंदर रहते हुए हम लोग इस तरह से मतलब के गायब हुए थे, मर्जी वाली बात है। आपको फोन करने ही लगी थी कि 3 दिन हो गए मैं आपसे नहीं मिली और आपने भी नहीं पूछा कि मम्मा किधर है, किधर नहीं, फोन तक नहीं किया आपने। इतनी फोतगी, अल्लाह माफ करे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आज भी खत्म था कुल का, मैं नहीं जा सकी, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई है, मेरी शुगर बहुत ज्यादा हाई हुई। मेडिसिन ली है? हाँ जी, मेरे पाँव देखो कितने स्वेल हुए हैं, मेरा फेस स्वेल हुआ है, नजर आ रहा है। हाँ जी, ये जागने की वजह से और ये जो बाजारी खाने खाते हो रोज उसकी वजह से। बस फिर ऐसे ही है ना। तो अब भाई सीन इस तरह से है, मुझे तो ये लगा था कि आप घर छोड़ गई हैं। नहीं बेटे, घर छोड़ के कहाँ जाना है, मुल्ला की दौड़ मसीद तक, ऐसे ही है, तन छड़े कि जा सके रही हैं कहीं पे भी नहीं। तो अब क्या सीन है मतलब के कहीं जाना है आज आपने? हाँ जी, सर मेरे नाल चल जरा। कहाँ पे? मैं दम करवाने जाना है। अच्छा, करवाना है। कहाँ पे जाना है? बरकत मार्केट। बरकत मार्केट दम करवाने हैं? अच्छा, तो कब जाना है? अभी चलो ना, आपके बाबा जान का फोन आया तो मैं उठी हूँ, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। मेडिसिन ली है? मेडिसिन तो मैं खा रही हूँ, पता नहीं क्यों फिर भी मैं कल। उस जाहिर सी बात है, 3 दिन आप लगातार आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं, आपके पाँव के साथ बिल्लियाँ बंधी थी। वाकई कसम से सही बात है, मैं मतलब देख रहा था मुलाकात ही नहीं हो रही। जरूर चलो, जरूर चलो। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं आ जा सकती, मेरा बड़ा बुरा हाल है। अबे मेरे पैर, अबे अल्लाह पाक से।
चलो बहरहाल अभी दाम करवाने जाना है मामा के साथ। मामा ने बोला कि जी दाम करवाने जाना है तो वहाँ पे अब चलते हैं। तो परसों तो मामा आप ट्रेन पे गई थी हैं? कल मैं परसों ट्रेन पे और ट्रेन पे गई हूँ, उधर बच्चियाँ थी माशाल्लाह मुझे मिली हैं। अच्छा, वो कभी मुझे देखे बार बार आपस में बातें करें। फिर एक बच्ची के पास सीट थी, मैं खड़ी हुई थी, वो मेरे पास आई है तो उसने सलाम लिया, कहती है आंटी आपसे एक बात पूछनी है, माइंड तो नहीं करेंगी? मैं कहा नहीं पुत्र, मैं क्यों माइंड करना है। कहती है हमने आपको कहीं देखा है? मैंने कहा कहाँ देखा? कहती मुझे याद नहीं आ रहा। फिर हंसना शुरू हो गई, फिर कहती हमने आपको ना यूट्यूब पे देखा है। अच्छा, मैं सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी हो गई है मामा माशाल्लाह, तो पहचान ली उन्होंने आपको? फिर उन्होंने अपनी सीट उठी गई बच्ची ना, तो मुझे कांडी आप बैठे इधर। बिग लव बिग रिस्पेक्ट, वैसे भी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, मैं फर्स्ट टाइम मनीषा ने ऐसा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, करो। और उसने मुझे कहा कि आंटी, मैंने कहा बेटे मैं निशान की मदर हूँ। वो मुझे फिर याद आ गई बात, वो वाली जो लड़के ने ऋण लिया, निशान दी वजह तो फेमस है, तुम निशान दी वजह तो मैं मैं नहीं नहीं मैं आपकी वजह से हूँ, ये बात नहीं है, ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो भाई अब के सीन्स ये हैं कि अभी उस नैन की भी कॉल आई है कि भाई मैं ना जरा फ्री था अभी, तो मैंने सोचा आपसे जरा कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो एकेडमी स्टडी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो सीन अब इस तरह से है कि मैं तो जा रहा हूँ दम करवाने के लिए, अब मुझे उसको ऑफ सीन करवाना पड़ेगा, तो फिर वापस आ गए इंशाल्लाह, देखते हैं कि यार उसके साथ क्या सीन बनता है क्या नहीं। अभी चले फिर आप भी तैयार शेयर हो जाए, मैं भी होता हूँ, मैं तो तैयार हूँ, बस मैंने जूता पहनना है। आपके बाबा जान आ रहे हैं ना? अच्छा, तो वो घर आते हैं, तो हम निकल रहे हैं, वो रस्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं खैर से। अच्छा चलो सही है, आप आ जाना तो फिर ऐसे चले जाने बेटे। चलो ठीक हो गया। तो अब सीन इस तरह से है भाई के जूता शूता पहनते हैं और रेडी शेडी मामा हो जाती है, मैं तो रेडी हूँ, और फिर निकलते हैं। आचो जी, चलो चलो जी, चलो जी, चलो तू भी आ जा भाई, आ जा भाई, आ जा, आ जा, आ जा। लो जी हमने जूता शूता पहन लिया है, हम तो हैं जी रेडी। चलो जी, तो यार सीन इस तरह से हम लोग आ चुके हैं दम करवाने के लिए जहाँ पे आना था, और मामा भी गई हैं, और सीन इस तरह से जहाँ पे हमने दम करवाना था, जिनसे करवाना था, सैयदजादी हैं माशाल्लाह से आंटी वो, तो सीन ये है कि वो गई हैं मरी, तो अब जाना पड़ेगा वापस, काम तो नहीं हो सका, तो निकलते हैं फिर वापस, अब कोई मसला नहीं। ऐसे ही मामा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बेटे मरी गए हूँ मैं तकरीबन 4-5 दिन से। अच्छा, तो आ जाएंगे 2-3 दिन में ना वापस। फिर वापस दोबारा आना है? फिर किस दिन आएंगे? हाँ फिर किस दिन आ जाएंगे। चलो सही है, निकलते हैं। बिस्मिल्लाह, चलो हो। मौसम काफी ठीक है यार बाहर, लेकिन यार बाइक पे ना इंसान थक जाता है। दुआ करो अल्लाह पाक आपके भाई को गाड़ी दे दे यार। पानी शानी पीते हैं, और एक और ऑर्डर आ गया है, वो काम भी करना है अभी। अल्लाह बिस्मिल्लाह, सीन इस तरह से है भाई कि मैं पहुंच चुका हूँ उस नैन की तरफ, ना ये बंदा मेरी कॉल उठा रहा है, ना ही ये मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। पता नहीं यार ये कहाँ पे बिजी है, इसके घर पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। चलो जी। हाँ जी, हाँ जी, आ गए हो? मर्जी वाली गल है वैसे, मर्जी वाली केरी गल है? ना तू मेरा फोन चुकना पे, ना तू फोन सैलेंट लगा ही, मैं वकील साहब आया था नहीं रहा वान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक है आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। ओके मिल लंदा बंदा भाई, बैठ के भी मिल लंदा, दिन ब दिन यजीद ही बंद जा रहे जे, पक्खा दे बंद करो यजीद बंदा भाई। आप मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हो। साइलेंट ते लगा ही मोबाइल, पता नहीं लगा। तू वैसे साइलेंट गर्ल दा बच्चा है। अच्छा,
शर्म तो नहीं आई शर्म की नंगा गया मर्जी वाली गल मेन इस टाइम इनकी भुख लगी तेरी सोच होनी है भाई तेन दुख लगा ही रहा मैं घर तू टीडे छड़ के आ गया हूं तू क्या यार आप देख लो ये बंदा हमें से इतनी मोहब्बत करते हैं इसको कॉल्स करते हैं मैसेजेस करते हैं ये हमारे मैसेज का जवाब नहीं देता कॉल अटेंड नहीं करता नहीं मोहब्बत आप लोग कहते हो कि शाह बड़ा अच्छा बंदा है ये इसका मतलब के अच्छा पाना है मोहब्बत नहीं करता मैं तुम्हें के लिए मेरे नाम की कमेटी पाई भाई तेरे नाम की कमेटी पा लेने हैं हूं फिर की प्लान है क्या हूं प्लान बना लेने हैं वे लो जिधर जाना चले जाने यार मैं ना तेनू दसना वा भाई जरा बैठे ने मेरा ना काफी दिन तो यार काफी मैं अपसेट हैगा वा ते अच्छा। मैं कह रहा सी कि यार सईदा पाक दे दर ते हाजरी लो आईए जरा चल के चलो चले जाने मैं भी यार दुआ मंगनी पेपर ने मेरे जी हो जी तेरी करदूता तू ते मुश्किल ही पास होए भाई 3 साल है भी नहीं पास होए अल्लाह दे बंदिया हुन फिर जाना है चलो चलने हैं सलाम कर के आने हैं जाके चलो ठीक है सजी खाए और मेनू की खवा रहे हो तानू मुनखा भी खवा सही सी वैसे चलो यार जरा भाई के साथ थोड़ा बैठे गपशप करते हैं फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्या सीन्स हैं A few moments later तो यार उसने ना एक काम बोल रहा है मुझे आपको भी बताते हैं कि क्या काम है फिर इंशाल्लाह ताला वो काम करते हैं हां जी शाह जी भाई मैं तुम्हें कहना सी कि यार वो ना तुसी माशाल्लाह मेडिकल दा स्टूडेंट हो तुम्हें तो पता होगा दो दिन उंगलियां आ गई सी आज तो कोई 10-15 दिन पहले ना पंखे दे अच्छा चीज लग गए सही हो गई ठीक है उन्हें दर्द हो रही है लेकिन मैं बायो मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं कोई डॉक्टर शॉक्टर तो हूँ नहीं लेकिन फिर भी उसने कह रहा है उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो उनकी तसल्ली के लिए जाके हमने करना है चलो उसने कह रहा तो कर लेते हैं जाके बनी जूते नजर ना लगे यार तो पागल है ऐसा ठीक हो गई है काफी बस थोड़ी जी रह गई है भी ठीक हो गई है कुछ नहीं हुंदा ठीक हो गई है ऐ 10-15 दिन तक सीधी भी हो गई है की मेरे मने दा खारा छ खारा छ ऐ मौसम खारा चला गया है खारा चला मौसम है गया ऐ कोई मसला नहीं है हाँ जी भाई हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक नहीं लगा करंट लगा पर करंट नहीं ए कमजोरी तो हुंदा तुहानू करंट नहीं पैंदा मैं तुहानू लोशन लेके देना वा ओदे नाल तुसी ठीक होई जाओगे हम लोग पहुंच चुके हैं यार बीबिया बाग दामन इस टाइम हम लोग बाजार के अंदर हैं तो अभी यहाँ से फूल लेते हैं इंशाल्लाह ताला फिर चलते हैं अंदर इंशाल्लाह और आपको फिर आपकी भी हाजिरी लगवाते हैं और ख़ुद भी इंशाल्लाह हाजिरी पेश करते हैं तो यहाँ से फूल ले लेते हैं ये कॉर्नर वाली शॉप से ले लो यहाँ से ले लो बल्कि यार इधर से ले लो ये भाई से ले लो ले लो ले लो यहाँ से ये लेके जाते हैं जी अंदर जूते भी यहाँ पे उतार दो स्नैन जूते भी यहाँ पे उतार दो भाई जान ये जूते का आपने ख्याल रखना है जूता मेरे दिल के बहुत करीब है ऑयल ऑयल तो नहीं लेना चाहिए नहीं बस वो अगरबत्ती लेना जूते का ख्याल रखना आपने ये जूता दिल के बहुत करीब है मेरे बच्चों की तरह इसने जूता रखा ये मेरे भाई ने मुझे दिया है जूते हमने यहीं पे उतार दिए भाई नंगे पांव जा रहे हैं इधर से आओ माशाल्लाह जी आप ये चेक करें इधर लंगर तकसीम हो रहा है साइड पे और वो सामने जी मजार शरीफ क्या बात है
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सैयदाबाद। उसने चला गया जी वहाँ पे फूल फूल डालने के लिए और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाजिरी पेश कर ली है और उसने आगे गया था। शायद आप सोच रहे हो आपके जहन में एक बात होगी, मैं आगे नहीं गया यार, हम गुनाहगार लोग हैं, वो बहुत बड़ी पाक हस्ती हैं और मैं इस काबिल नहीं खुद को समझता कि जरी के पास जाता रोज़े के पास जाता, दूर से खड़े होकर दुआ कर ली थी। उसने तो वैसे ही माशाल्लाह सैयदजादा है, उसने वैसे ही माशाल्लाह सैयदजादा है और बस मेरे दिल की अकीदत है, मैं पास नहीं गया, दूर से खड़े होकर दुआ कर ली थी। अब वापस निकलते हैं, मुझे लगी है भूख और उसने साहब तो खाना खा चुके हैं, इसका दोस्त आया था उसके साथ इसने खाना शाना खा लिया, लेकिन मुझे तो भाई भूख लगी है। अब देखते हैं कि हम क्या खाते हैं, लेट्स सी। चलो जी आ जाओ भाई, आ गई जी हमारी जूती, मेरे भी नहीं के शो। A few moments later. तो यार दरबार शरीफ पे हाजिरी पेश कर ली है और अब हम लोग आ चुके हैं पेट पूजा करने के लिए। पेट पूजा करने के लिए मैं आया हूँ जुगनू फूड पे, जो कि भाई जिन भाई का ये सेटअप है वो खुद एक यूट्यूबर है माशाल्लाह और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं भाई के। तो फूड का बिजनेस भाई ने स्टार्ट किया है, काफ़ी वीडियोस देखी है, काफ़ी हाइप क्रिएट की है इन्होंने। तो मैंने कहा यार चल के ट्राई करते हैं और देखते हैं ऐसा खास क्या है इसके अंदर जो आवाम इसके पीछे पागल है। तो चलते हैं, चल के ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, तो लेट्स गो। तो ये तैयार किया जा रहा है हमारा तवा पीस और साथ में इसके हैं जी फ्राई नान, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फुली हैवी शशका चल रहा है ये माशाल्लाह। हमारे जुगनू साहब मोहब्बतें डाली जा रहे हैं जी, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, ये मसाला आ गया जी इनका, क्या बात है जी। खाना हमारा आ चुका है, ये तवा पीस है, रायता है, साथ में फ्राई नान है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास फ्राई नान, चेक करें यार आप ये कितना सॉफ्ट है, मसाला लगाया इसको भी, मसालेदार ही तवा पीस है, बिस्मिल्लाह जी, ओहो बहुत जूसी है यार, चेक करो आप इसको ना, पहले ऐसे ट्राई करते हैं रहते के बगैर, बिस्मिल्लाह, ओए होए होए होए। जो लोग तवा पीस के नाम पे मिर्चें बेच रहे हैं ना, उनके मुंह पे चपेड़ है यार, निहायत फ्लेवरफुल है और जैसी बाइट लिया ना स्पाइसेस ने एक बूम मतलब एक ब्लास्ट की है, बहुत आला यार। ये आ गया जी चिकन, यहाँ से आ गया जी रायता, बिस्मिल्लाह, क्या बात है यार, ये ड्राई तो वापस नहीं है, जो इसके अंदर योगर्ट और मिल्क ऐड किया ना उसकी प्रॉपर ग्रेवी एक बनी है और जो इसके स्पाइसेस है ना भाई, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल, वरना स्पाइसेस के नाम पे काली मिर्च और दो तीन और मसाले हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ये पता चल रहा है कि यार काफ़ी मसाला जात इसके अंदर ऐड किए हैं, बहुत अला चीज़ है यार। भाई मुझे नहीं भूख है, तुम नहीं खाना, मर्जी है शाह ती यार। ये गोलगप्पे आ चुके हैं मेरे पास, आप देख सकते हो भाई बड़े ही सेक्सी किस्म के गोलगप्पे हैं, टिक्का गोलगप्पा है, पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर है, ये है जी टिक्का गोलगप्पा, इसको खट्टे की जरूरत ही नहीं है यार, इसके अंदर चिकन टिक्का और भी पता नहीं क्या क्या लवाजमात है, बिस्मिल्ला, यार ये हिडन जैम है यार, ये कमाल, ये है जिनका खट्टा और मीठा ये मिक्स ही होता है, अंदर सौंफ है और भी काफ़ी लवाजमात हैं आप देख सकते हो। ये आ गया जी गप्पा, ये ब्लूबेरी फ्लेवर है, बिस्मिल्लाह, एंड है यार ये, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे गोलगप्पे कभी भी नहीं खाए यार, ये 12 गोलगप्पे हैं और 12 के 12 डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर हैं, मतलब एक खाओगे कहोगे यार एंड, दूसरा खाओगे पिछले को भूल के कहोगे यार ये एंड है। ब्लूबेरी गोलगप्पा शायद आपने सुना भी ना हो, मैं कहता हूँ अखीर यार मजा करवा रहा है, शुक्र ला अल्हम्दुलिल्लाह यार खाना शाना खा लिया है और भाई इनका टेस्ट यार मतलब एक रेगुलर चीज़ें जो उनसे मार्केट में चल रही हैं, लेकिन भाई ये चीज़ें उनसे हटके हैं,
इन चीजों में भाई ने जिद्दत पैदा कर दी है भाई, क्या कमाल। मतलब यार गोलगप्पे जो थे ना, एक गोलगप्पा खा रहे हैं उसका अलग टेस्ट है, दूसरा उठा रहे हैं उसका अलग टेस्ट है। मजाक मजाक में हम लोग भाई दो दर्जन गोलगप्पे उड़ा गए हैं। और तवा पीस भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अभी भाई की ना बड़ी प्यारी एक स्टोरी है, तो मैं जिस रेस्टोरेंट पे आया हूँ जुगनू फूड, जैसा कि आपको बताया है, भाई से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं और उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम जुगनू जान। जुगनू जान, ये कैसा नाम है? यही नाम है मेरा, जुगनू। यार वैसे मेरा नाम काशिफ बशीर है। अच्छा, लेकिन मुझे सारे जुगनू के नाम से जानते हैं। अच्छा, जबरदस्त। मुझे पता चला कि आपका यूट्यूब चैनल भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा फेमस चैनल है जुगनू फूड के नाम से। अच्छा। और मेरा जो आप ही कह रहे हैं फैमिलैरिटी की वजह है। अच्छा। वो रेसिपी लीक करने से है। मैंने ये बड़े क्या बड़े रेसिपी लीक, बड़े बड़े ब्रांड्स की रेसिपीज जो है ना लीक की है मैंने। अच्छा, कमर्शियल रेसिपीज। ऑडियंस इतना प्यार, पाकिस्तान में कमर्शियल रेसिपीज जो है ना, असल रेसिपीज जी मैंने मुतारिफ कराई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके उस पे? मेरे 2.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा चल रहा है आपका चैनल? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा सा डाउन है, कुछ काम नहीं कर पा रहा। अच्छा। और कुछ शर पसंद नासिर ने कुछ नुकसान पहुँचाया। क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पर? हमारे पास बारबेक्यू की तमाम वैरायटी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर क्वालिटी के साथ, जबरदस्त, और जबरदस्त टेस्ट के साथ। क्या बात, तवा पीस है जो हमारा आजकल बहुत फेमस है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पहचान है वो फ्लेवर्ड गोलगप्पे और जेंट्स स्पेशल खट्टा, जिस पर आजकल अच्छा। हमने सेल लगा दी है। सादा गोलगप्पे हमने 200 रुपए में मुतारफ करा दिए हैं। अच्छा। बिल्कुल सेल चल रही है इस वक्त, 200 रुपए की प्लेट। क्या, और फ्लेवर्ड गोलगप्पे हम 300 रुपए में दे रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, भाई चलो आ जाओ इधर। तो यार घर पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खाया, उसके बाद उस नैन की तरफ चले गए, वहां पे जाके चाय शाय पी। चल भाई चल भाई चल भाई, आ जा आ जा आ जा। शुक्र है यार, ये पाँव की हालत देखो आप, पैदल चल चल के ना नंगे पाँव, ओए होए। तो यार सीन इस तरह से है भाई के घर आके तो बैग शैग उतार दी, यार रिलैक्स हो चुका हूँ। तो अभी इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे, लेकिन आपसे एक बात करनी है। मैंने एक कंटेंट सोचा था, 15K सब्सक्राइबर्स होने पे वो कंटेंट आपके लिए करूंगा। जिस तरह आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हो ना, दिल जोन से ना, वो बड़ा ही मतलब ना टूटा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, आपको वो कंटेंट पहले ही दे देना है। 15K पे जो कंटेंट करूंगा ना, इनशाला इनशाला मजा आ जाएगा। लेकिन जो कंटेंट अभी करना है, जो सोचा था 15K पे करने का, वो कंटेंट मैं कहता हूं भाई आप सबको बड़ा इंतजार था, आप सब ने उस कंटेंट के बड़े मैसेज किए हैं, आप सब ने कमेंट्स किए हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई 15K सब्सक्राइबर से पहले पहले वो कंटेंट कर देते हैं, ताकि आप 15K सब्सक्राइबर्स करवा दो उस कंटेंट की वजह से। और जो कंटेंट 15K सब्सक्राइबर्स पे आएगा, मैं कहता हूं भाई उदम मचा देगा। तो वो कंटेंट किस बारे में है, क्या सीन्स है, क्या सिनेरियो है, कल मामा से डिस्कस करेंगे, देन आपको बताएंगे। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक पीस आउट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।